साथियों नमस्कार। आज मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण एक विषय पर जानकारी देने वाला हूँ। पूरे देश में इस वक्त एक फिल्म जो है उसका मैं कहूँगा घमासान मचा हुआ है, द केरला स्टोरी। कई राज्यों में उसको टैक्स फ्री किया गया, कई राज्यों में प्रतिबंधित किया गया। मामला जब केरला हाईकोर्ट में पहुँचा, उसके जो प्रतिबंध जो लगाए जा रहे थे, तो केरला हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में मसला पहुँचा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब मसला पहुंचा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 15 तारीख इसमें सुनवाई के लिए बताई, 15 मई सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए दी। ये खबर पूरे देश में वायरल हो गई कि 15 मई को माननीय सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई करेंगे, इस केस का फैसला करेंगे कि ये पिक्चर जो है इसको रोक लगाया जाना है, प्रतिबंधित किया जाना है या इसको देखे जाना है। हालांकि जो फिल्में होती हैं वो समाज का आईना होती हैं, उन पर रोक लगाना ठीक नहीं। फिल्म का विषय जो भी है उस पर आपकी हो सकता है कि राय अलग अलग हो, प्रतिक्रियाएँ अलग अलग हों, ये अलग अलग बात हो सकती है। सभी के विचार सेम नहीं होते, पूरे देश में सबके विचार अलग अलग होते हैं। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में 15 तारीख जब दी गई तो निर्माताओं को काफ़ी हताशा हुई, काफ़ी निराशा हुई, और निर्माताओं ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि हम हर रोज़ लगातार अपने पैसे खोते जा रहे हैं, और हमें अगर 15 मई दी जाती है तो हमारा बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। जितना जल्दी हो सके इस मामले पर सुनवाई हो और जितना जल्दी हो सके मामले पर आदेश जारी किया जाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब निर्माताओं ने कहा कि हमें इससे आर्थिक नुकसान हो रहा है और हर रोज़ हम लगातार पैसे खो रहे हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अगली सुनवाई की तिथि 15 मई से घटाकर 12 मई कर दी है। जी हाँ, अब इस केस पर अगली सुनवाई 12 मई को होनी है कि पिक्चर को प्रतिबंधित किया जाएगा या नहीं, ये फैसला अब 12 मई को आना है। तो ये आज की बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है। द केरला स्टोरी ने पूरे देश में इस वक्त बहुत अच्छा उसको रेस्पॉन्स मिल रहा है। कई स्टेट जो हैं उसको प्रतिबंधित कर चुके हैं, उनका मानना है कि फिल्म जो है वो हो सकता है कि सामाजिक सद्भाव को बिगाड़े, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, इसलिए उन्होंने उसको प्रतिबंधित कर दिया। बाकी कुछ राज्यों का ये मानना है कि समाज की हकीकत, समाज का आईना ये पिक्चर दिखाती है, और उन्होंने इसको टैक्स फ्री कर दिया। खैर, पिक्चर जो भी है वो अलग विषय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट 12 तारीख को इस केस का अगला फैसला जो होगा वो जारी करेंगे, और जैसे ही अगला फैसला 12 तारीख को आएगा हम आपको सूचित करेंगे चौधरी लीगल एसोसिएट पर। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर, अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।